सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने फ़ोन को अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल जो मेरे पास फ़ोन है, आप देख सकते हैं, मेरे पास जो फ़ोन है वो है, आप देख सकते हैं, ओप्पो का है। और इसमें आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपना जो कि अपडेट कर सकते हैं मोबाइल को, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, आपको जाना होगा सेटिंग में। तो सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है तो यहाँ से जा सकते हैं और यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि ये रहा, अगर यहाँ से नहीं मिलता है तो आप यहाँ से ये वाला जो सेटिंग का ऑप्शन होता है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तीन चार तरीके थे सेटिंग के अंदर जाने का। उसके बाद आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो अपडेट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, थोड़ा सा नीचे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे और जाते जाइए और यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपली इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे जो सबसे पहले तो यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये जो ऑटो अपडेट का ऑप्शन है इसको ऑफ कर देना है, क्योंकि आप कई बार बैटरी कम होता है, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में ऐप मतलब अपडेट हो जाता है, तो ये बहुत खतरनाक होता है, ये फ़ोन को डेड भी कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सोच समझ के आप इसको अपडेट कीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले तो इसको ऑफ़ करना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चेक करना है। चेक करके आपको बता देगा अपडेट अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपका होगा तो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पर चेक करने का ऑप्शन भी आना है, सीधे क्लिक करेंगे और डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और डाउनलोड होते ही आपको जब बैटरी परसेंटेज 50 से ऊपर हो तभी इंस्टॉल करना, वरना डाउनलोड करके आप रख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन को अपडेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सवाल ये आता है कि अपडेट करें क्यों। अपडेट इस मामले में किया जाता है जैसे कि आपका सिक्योरिटी पेज का कोई अपडेट आया है, उसलिए अपडेट करना चाहते हैं, या फिर कोई नया फीचर्स आता है तभी आपको अपडेट देता है, या फिर आपका हैंगिंग प्रॉब्लम या फिर कैमरा इम्प्रूवमेंट होता है तो उसके लिए अपडेट देता है। तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा, अगर सिक्योरिटी पैच होगा तो सिक्योरिटी पैच लिखा हुआ आएगा, या फिर कुछ और होगा तो कुछ और लिखा हुआ आएगा फ्रेंड्स। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, मेरे पास एक रियलमी का फ़ोन है और इसमें अपडेट अवेलेबल है, मतलब आया हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे उसमें दिखेगा और उसको कैसे डाउनलोड करेंगे। तो Realme का भी फ़ोन लगभग Oppo के जैसा ही है, तो मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये दूसरा जो फ़ोन है वो Realme का ही है और यहाँ पे ये भी अपडेट है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका अपडेट चेक होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, तो मैं इसको ऑफ़ कर लेता हूँ। ये बहुत बुरी बात है क्योंकि ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, तो ये डाउनलोड भी नहीं करना होता, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। चलो, मैं तो घर पे रहता हूँ, लेकिन आप लोग अगर बाहर जाते हैं आते रहते हैं तो आपको दिक्कत तो हो सकती है, तो आप देख लीजिएगा, ऑटो अपडेट को आप बंद कर लीजिएगा। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आया तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।